Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें Wi-Fi Study चैनल को. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में, विच इज पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप. फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रोज़ रात को क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं एमसीक्यू की. स्ट्रेंथ तो मटेरियल के हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन कर चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स के कर चुके हैं. अब जो नेक्स्ट पार्ट है मटेरियल साइंस. देखिए, मटेरियल साइंस से रिलेटेड मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा. देखो, आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आप ये मान के चलो आपको एक भी नहीं आएगा, या फिर अगर आपको सारे भी आते हैं तो फ्रेंड्स, उसके साथ में जो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा ना, वो आप लोगों को ध्यान से समझना है. सारे मैं नोट्स आपको लिखवा दूंगा, क्योंकि अगर आपने मटेरियल साइंस इससे पहले पढ़ी भी नहीं है, तो वैसे तो मैंने पढ़ा दी पूरी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको, बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी. जैसे अलॉय एलिमेंट, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो छोटी छोटी चीज़ है, जो छूटी है, मैं आपको बारे में बता दूंगा. तो ये जो एमसीक्यू करने वाले हैं आज, मतलब आपका मटेरियल साइंस पूरा इसमें कवर हो जाएगा. तो आप लोगों को फ्रेंड्स बिल्कुल आराम से देखना है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन भी जाएंगे. जो क्वेश्चन नहीं बने वो आप लोगों को समझना है. सारी चीज़ें मैं आपको लगा दूंगा, पूरा कंटेंट मैंने इसी में लगा दिया. एक क्वेश्चन के बाद में क्या उसका एक्सप्लेनेशन है, उसी के बाद में लगा दिया. पूरा आप लोगों के लिए इतनी ईजी कर दिया मैंने. बहुत टाइम लगा ये कंटेंट बनाने में, बैठ के कम से कम 4-5 घंटे लगे मेरे को बनाने में, लेकिन आपको कोई बात नहीं, आज आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा. मटेरियल साइंस जो बिल्कुल ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, हार्डनेस क्या होती है, स्टील को डालने से क्या, स्टील में क्रोमियम डालने से क्या होता है, हाई स्पीड स्टील क्या होता है, 18SS क्या होता है, ये आपका क्या होता है, जो भी आपके मन में डाउट आते हैं ना, आज सारे क्लियर हो जाएंगे. पिग आयरन क्या होता है, रॉट आयरन क्या होता है, सिम ये ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, बताओ. ये आते नहीं आते डाउट सारे, ये बताओ. ठीक है, तो सारे जो डाउट्स का जो सॉल्यूशन है आज मिल जाएगा. तो एक एक क्वेश्चन बड़े आराम से करते हैं. ठीक है, तो सभी थम्स अप कर दीजिए कि आप लोग रेडी है. रवि कुमार जी बोल रहे हैं सर, थोड़ा थोड़ी एक्सप्लेन कर दीजिएगा. पूरा एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है. ठीक है, बताइए. तो फ्रेंड्स, इसको आप मैक्सिमम शेयर कर दो, 1000 जने पहुंचा दो. आज इसको मटेरियल साइंस होने वाला है. ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आप लोग स्टार्ट हैं, करें पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग. बताइए, थर्मोडायनेमिक्स का भी होगा, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का भी होगा. टेंशन ना ले आप, बिल्कुल भी टेंशन ना ले. चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब देना आप लोग स्टार्ट करिए. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दीजिए. आपको फ्रेंड्स क्या है, एक तरफ कॉलम वन दे रखा है, एक तरफ कॉलम टू. आपको सामने दिख रहा है टेस्ट 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 टेस्ट. तो इसमें आप लोग देखना है कौन सी टेस्ट किसको मेजर करने में काम में आती है. तो एक एक चीज़ समझाता हूँ. पहले हम लोग चीज़ समझते हैं यार, ये फ्लूडिटी क्या होती है. तो फ्रेंड्स, फ्लूडिटी क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, एक आपका कोई भी हनी है ना, और एक वाटर है. मैं आपसे पूछूँ किसकी फ्लूडिटी अच्छी है, किसकी फ्लूडिटी अच्छी है, तो आप लोगों को पता है वाटर की है. तो फ्लूडिटी आप लोगों को समझ रहा है, एबिलिटी टू फ्लो. तो फ्रेंड्स, इसमें स्पायरल टेस्ट होता है. एक स्पायरल टेस्ट क्या होता है, ऐसे आप लोगों के स्पायरल शेप में आपकी ट्यूब बनी होती है, जिसमें उसको निकालते हैं, और जो इजीली निकल जाएगा उसकी फ्लूडिटी क्या होती है, अच्छी होती है. तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लूडिटी किससे हम लोग करते हैं, स्पायरल टेस्ट से करते हैं. यानी आर का आंसर आना चाहिए 1, आर का आंसर आना चाहिए 1. यहाँ पर आर के 3 आ रहे हैं, आर के 3 आ रहे हैं, यानी दो ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं. अब बचाइए फ्रेंड्स, बात याद रखिए, जो 4P टेस्ट होता है वो किसको मेजर करने के लिए होता है, टफनेस मेजर करने के लिए आपका 4P टेस्ट होता है. यानी क्या, पी से 4 आपका एक ऑप्शन और हट रहा है क्या, सीधा सीधा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, पी से 4. और इसके साथ में आप लोग एक चीज़ और याद रख सकते हैं, जो नूप टेस्ट होता है वो किसको माइक्रो हार्डनेस मेजर करने के होता है, और जो आपका क्यूपिंग टेस्ट होता है वो किसके लिए हो जाएगा, आपका फॉर्मेबिलिटी के लिए हो जाएगा. चीज़ें क्लियर, चले आगे बताइए, सभी बताइए.
तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, चार पी टेस्ट आपका टफनेस मेजर करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आराम से सोचिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ है ना कि जो कार्बन बढ़ाने से क्या बनती है, हार्डनेस बढ़ती है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ट्राई करिए इसको है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कार्बन कंटेंट बनाने से हार्डनेस बढ़ती है, ठीक है, यानी कार्बन बढ़ाए हार्डनेस बढ़ रही है, इसमें बढ़ रही है, यानी ये दो ऑप्शन तो फ्रेंड्स हो ही नहीं सकते, ठीक है ना, इसमें कम हो रही है। तो फ्रेंड्स इसमें जो ये आपका जो वेरिएशन आता है कार्बन के साथ में हार्डनेस का, वो क्या होता है, एक तरफ कार्बन बढ़ाने से सर हार्डनेस बढ़ती है, फिर एक तरफ जाके क्या हो जाती है, आपके बिल्कुल नहीं बढ़ती, कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। विद द इंक्रीज ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द स्टील विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डस इंक्रीजेस, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है बताइए, ठीक है। विद द इंक्रीज ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये बोल रहा है कार्बन की प्रतिशतता बढ़ाने से क्या इंक्रीज होता है, तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया हार्डनेस इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलने से पहले अभी मैंने आपको बताया एक हार्डनेस टेस्ट नाम की चीज़ होती है ना। तो हार्डनेस टेस्ट क्या होता है, एक एक चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपका जो हार्डनेस टेस्ट होता है आपको क्या दिख रहा है, एक बार थम्स अप कर दो, दिख रहा है, है ना। हाँ, अब मैं बता रहा था आपको फ्रेंड्स क्या होता है, हार्डनेस टेस्ट के बारे में बता रहा था। तो हार्डनेस टेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, सरफेस की हार्डनेस चेक करने में काम में आता है। हार्डनेस का मतलब क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो फ्रेंड्स अलग अलग टेस्ट होते हैं, सबसे पहले जो होता है वो होता है एक ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, ठीक है। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक वर्क पीस दिख रहा है, आपको इसकी हार्डनेस क्या करनी है, चेक करनी है। तो इसके ऊपर क्या है फ्रेंड्स, एक बॉल रखते हैं हम लोग, ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, लोड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लोड लगाते हैं, और देखते हैं वर्कपीस में इसका कितना पार्ट फ्रेंड्स क्या हो गया, दब गया या घुस गया, कितना पार्ट इसमें इंडेंटेशन हो गया। तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं, एक नंबर निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिनल हार्डनेस नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिनल हार्डनेस नंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, ब्रिनल हार्डनेस का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी बताता हूँ, 2 × F अपॉन पाई इंटू कैपिटल डी, कैपिटल डी क्या है, आपको बॉल दिख रही है, इसका डायमीटर है, इंटू कैपिटल डी माइनस अंडर रूट ऑफ कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, स्मॉल डी क्या होता है, कितना पार्ट है ना, ये कितना पार्ट ये इसके अंदर घुसा, तो ये आपका स्मॉल डी होता है, ठीक है। मैं लिख दिया कैपिटल डी बॉल डायमीटर, स्मॉल डी इंप्रेशन डायमीटर, मतलब कितना इंप्रेस हुआ है इसमें, मतलब कितना इसमें धसा है, एफ आपका क्या लोड है, और आपका एच बी क्या आ जाएगा, हार्डनेस आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बोल देता हूँ कि ये जो लोड लगाया जाता है 1 kg force से 3000 kg force के बीच में क्या लगाया जाता है, लगाया जाता है, और आपका जो इंडेंटर होता है किसका होता है, टंगस्टन कार्बाइड का होता है। थोड़ा सा बेसिक याद रह गया, बस आपसे ये पूछ सकता है कि ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट किस लिए होता है, तो पहली चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे हार्डनेस के लिए होता ही है। दूसरा एक और टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विकर हार्डनेस टेस्ट, ठीक है, विकर हार्डनेस टेस्ट। तो एक टेस्ट और होता है विकर हार्डनेस टेस्ट, विकर हार्डनेस टेस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपको वर्क पीस दिख रहा है, इसकी भी आप लोगों को क्या करनी है, हार्डनेस मेजर करनी है कि भैया हार्ड है या नहीं है, है ना। तो इसमें क्या होता है, द विकर हार्डनेस टेस्ट मेथड कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिंग द टेस्ट मेटल विद अ डायमंड आइडेंटर, ये आपको दिख रहा है डायमंड शेप का दिख रहा है आपको, तो इस शेप का क्या होता है, आपका आइडेंटर होता है, इन द फॉर्म ऑफ राइट पिरामिड, राइट फॉर्म राइट पिरामिड के फॉर्मेट में होता है, स्क्वायर इसका बेस होता है ना, एंड एंगल ऑफ 136 डिग्री। आप बोलेंगे 136 डिग्री क्या है, अभी हम लोगों आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये लोड आपको लगाते हैं 10 से 15 सेकंड के लिए, फिर इससे क्या होता है, देखो देखो क्या आपको ये दिख रहा है फ्रेंड्स, ये आपका डायमंड शेप का पिरामिड होगा, टू डायमेंशन दिखा रहा है, तो जो ये एंगल बन रहा है ना, इसकी बात हो रही थी आपकी 136 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस पर क्या लगाया जाएगा, लोड लगाया जाएगा वर्क पीस में, और हम लोग देखते हैं कितना पार्ट इसका इंडेंट कर जाए, ठीक है। तो ये जो आपका डायगनल इसका जो सॉरी स्क्वायर इसका जो बेस था, है ना, तो ये मैंने एक मान लिया, इसको मैंने बोल दिया D2 और इसको मैंने बोल दिया D1, यानी क्या हो गए, दो डायगनल हो गए, क्लियर। तो द टू डायगनल्स ऑफ द
इंडेंटेशन लेफ्ट इन दी सरफेस, जो भी आपका इंडेंटेशन यानी छपा जो भी, उसके दो आपके डायगनल होंगे D1 D2, ठीक है। तो उससे हम लोग कैसे हार्डनेस निकालते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स हार्डनेस निकालने के लिए यहाँ पर क्या होता है, आपका हार्डनेस नंबर होता है, ये आपको दिख रहा है फ्रेंड्स 136 डिग्री, समझ में आ गया। और जो इंडेंटेशन छपा वो तो आपका स्क्वायर शेप का ही होगा ना, तो इसका एक डायमीटर क्या लेते हैं हम लोग, जो एक डायगनल लेते हैं वो D1 मान लीजिए, इसको D1 बोल देता हूँ, और जो एक डायगनल है यानी ये वाला है ना, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, D2 नाम दे दिया। तो इसका जो हार्डनेस नंबर आता है आपको याद नहीं रखना है, टेंशन मत लीजिए, 2f sin 136 डिग्री अपॉन 2 यानी 68 डिग्री सेल्सियस अपॉन स्मॉल डी का स्क्वायर। आप बोलेंगे स्मॉल डी क्या है, तो फ्रेंड्स ये स्मॉल डी क्या है, दोनों का क्या है, आपका एवरेज है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू डायगनल्स D1 एंड D2। और जब इसको सॉल्व करेंगे 2f ये, तो यहां से निकल के आएगा 1.854 fd2। ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हार्डनेस नंबर हो जाएगा कौन सा, विकर। तो जिसका हार्डनेस नंबर ज्यादा आएगा इसका मतलब उसका वर्क पीस का उतना ही ज्यादा क्या है वो हार्ड है। इतनी चीजें क्लियर, चले आगे बताइए, बहुत बढ़िया, ठीक है। 136 डिग्री सेल्सियस नहीं है, गलती से निकल गए हम, सॉरी 136 डिग्री है ना, ठीक है। अब दिन भर कभी फिजिक्स चलती है कभी ये चलती है। अब फ्रेंड्स एक और होता है आपका, क्लियर, एक टेस्ट आपका और होता है, ये तो हम लोगों ने किसकी बात करी थी, विकर हार्डनेस टेस्ट की। एक रॉकवेल होता है, तो रॉकवेल में कुछ आपका ऐसा होता ही है कि एक बार माइनर लोड लगा के देखते हैं मेजर लोड। कुल मिला के मेरे को बताने का मतलब था कि ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट होता है, एक विकर हार्डनेस टेस्ट होता है, और एक आपका कौन सा होता है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट होता है, इसको हम लोग क्या होता है रॉकवेल। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आई होप बेसिक आप लोगों को पता पड़ गया होगा रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, ठीक है। चले आगे, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए इनमें से किसकी मैक्सिमम मेलेबिलिटी होती है। पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आता है मेलेबिलिटी क्या होती है, तो मैंने मेलेबिलिटी आपको पहले भी बताया था, आपके पास ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, रॉट आयरन, तो आपकी कुछ बुक्स में इसका आंसर गलत दे रखा है, लेकिन हम लोग सही आंसर अभी समझेंगे। देखो मेलेबिलिटी क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि यदि आप लोग इसको हैमर करके शीट्स में यदि कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो आप लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल आपका क्या मेलेबल है। कौन कौन से मटेरियल मेलेबल होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, गोल्ड आपका ऑब्वियसली बात है, सोना है ना, मैंने आपको मतलब सोने को आप लोग ठोकोगे हाई टेम्परेचर करके तो आराम से आपके शीट में कन्वर्ट हो सकता है। जिंक हुआ, आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, लेड हुआ, ठीक है। लेकिन फ्रेंड जो आपका कॉपर होता है ना, प्योर कॉपर, कॉपर की जो मेलेबिलिटी होती है ना वो आपके लेड से ज़्यादा होती है, ठीक है, लेड से ज़्यादा होती है, ठीक है, लेड से ज़्यादा होती है, लॉयड से ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। कई बुक में लेड दिया होता है जो कि गलत है, जो आपकी लोकल पब्लिकेशन की बुक है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, कॉपर है। चले आगे, आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए जल्दी से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए। इन 18/8 स्टील व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम। बात करते हैं ये 18/8 क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, एक स्टेनलेस स्टील का अलॉय है जिसमें 18% क्या होता है आपका क्रोमियम होता है, 8% क्या होता है निकल होता है। तो 18/8 का मतलब क्या हो, 18/8 का मतलब क्या, 18% आपका क्या हुआ, क्रोमियम हुआ, और जैसे कि मैंने बताया 8% निकल हो जाएगा, तो 18% आपको क्या हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, यानी ए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इन मेटल द साइज ऑफ कोर्स ग्रेन, तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स फाइन ग्रेन भी होते हैं, कोर्स ग्रेन भी होते हैं, ठीक है, बताइए, बताया था नहीं था, फाइन ग्रेन भी होते हैं आपके, कोर्स ग्रेन भी होते हैं। बहुत बढ़िया, अरे आपको बताया था नहीं बताया था, फाइन ग्रेन, मीडियम ग्रेन,
तो एक तो होता है आपका फाइन ग्रेन यानी बहुत ही फाइन यानी बहुत ही महीन ग्रेन, एक होता है आपका मीडियम ग्रेन है ना, और एक होता है आपके कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन का मतलब क्या है, आपके बड़े ग्रेन, ठीक है, बड़े साइज के ग्रेन। आपको पता है फाइन ग्रेन की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो फाइन ग्रेन का यदि मैं साइज की बात करूँ तो ये आपके क्या होता है 2 mm से कम होता है, ठीक है। कितना होता है 2 mm से कम होता है, 2 mm से कम वाले जो आपके पार्टिकल्स होते हैं या ग्रेन होते हैं वो आपके क्या होते हैं फाइन ग्रेन होते हैं। मीडियम में कितने आ जाएंगे आपके, सॉरी 0.2 mm, और मीडियम की यदि मैं बात करूँ तो मीडियम में आपके कितने आते हैं 0.2 से 0.6 वाले, ठीक है, मीडियम में 0.2 से 0.6 mm वाले। और कोर्स ग्रेन की यदि बात करोगे तो 0.6 mm से ज़्यादा, ठीक है, 0.6 mm से 2 mm मान लो, 0.6 mm से 2 mm। तो आपसे क्या पूछने चाह रहा था, कोर्स ग्रेस इन ग्रेटर देन इन अ मेटल द ग्रेन साइज ऑफ कोर्स ग्रेन इन ग्रेटर देन, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए, इसमें से कोई सा भी नहीं, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि किससे बड़ा है आपका बताओ, 0.5 mm। इन मेटल्स द साइज ऑफ कोर्स ग्रेन इन ग्रेटर देन, इसमें है ना शायद अब मान लो इस ग्रेटर देन आना चाहिए, किससे आपका ज़्यादा है, तो 0.5 से भी ज़्यादा है, 0.005 से भी ज़्यादा है, 0.005 से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका इसमें से नन ऑफ डीज ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको साइज बता दी 0.6 से 2 mm से के बीच में आपका लाई करता है, ठीक है। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन आपको दे नहीं रखा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शॉक रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग, स्टील में हम लोग क्या मिला है, स्टील में हम लोग क्या मिला है कि शॉक रेजिस्टेंस क्या हो जाए, उसका इंप्रूव हो जाए। जैसे आप लोगों ने कभी बाइसिकल में गए तो एकदम से गड्ढे में शॉक पड़ता ना, तो वो जो रेजिस्टेंस उसको रजिस्ट उससे फेल नहीं हो, आपको मटेरियल ब्रेक नहीं हो, तो क्या मिलाया जाए, निकल क्रोमियम, आपका निकल एंड क्रोमियम दोनों। तो देखो निकल की यदि मैं बात करूँ आपसे, तो यदि आपको निकल में 2 से 5 स्टील में 2 से 5% यदि निकल मिला जाए तो उसकी फ्रेंड्स क्या बढ़ाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, उसकी इलास्टिक लिमिट बढ़ाता है, क्लियर, और आपके उसको हार्डनेस क्या करता है उसकी इंप्रूव करता है, टफनेस इंप्रूव करता है एंड रिड्यूस रस्ट फॉर्मेशन, यानी उसमें रस्ट नहीं जमने देता है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पर आता है, इट इज़ लार्जली यूज फॉर बॉयलर प्लेट्स, ऑटोमोबाइल इंजन पार्ट्स, लार्ज फॉर्जिंग, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड में आपके इसका काम में आता है, ठीक है। अब देखो When 25% निकल इज एडेड टू स्टील इट रिजल्ट इन हायर स्ट्रेंथ स्टील विद इम्प्रूव्ड शॉक एंड फटीक रेजिस्टेंस। यदि आप लोग निकल ज़्यादा मिलाए तो फ्रेंड्स ये शॉक रेजिस्टेंस में क्या होगा, आपका शॉक रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज कर देता है, शॉक रेजिस्टेंस क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। साथ में क्या मैं क्रोमियम की बात भी बता दूँ क्या, क्रोमियम का क्या काम है, तो फ्रेंड्स क्रोमियम का इसका आंसर तो आप लोग बता देंगे, इसका आंसर तो आप लोग बता देंगे कि निकल इसका आंसर आ जाएगा ए, लेकिन साथ में क्रोमियम की भी बात कर लेते हैं, क्रोमियम क्या करता है, तो क्रोमियम यदि आप लोग स्टील में मिलाओगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, हार्डनेस और कोरोजन रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ाता है, ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, ठीक है, जंग लगने से बचाएगा। तो स्टील कंटेनिंग 0.5 से 2% यदि स्टील में 0.5 से 2% यदि हम लोग क्रोमियम मिलाएंगे तो यूज फॉर बॉल बियरिंग बॉल हो गए आपके रोलर्स एंड रेसेस फॉर बियरिंग है ना, इसमें आपको क्या होगा यूज आएगा ये, ठीक है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि कोई स्टील जिसमें 3.25% निकल है, 1.5% क्रोमियम है और 0.25% कार्बन है उसको हम लोग बोलते हैं निकल क्रोमियम स्टील है ना, निकल क्रोम स्टील बोलते हैं। पहले तो ये बताओ इससे फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, बताओ, सारी चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ इससे फ़ायदा हो रहा ही नहीं हो रहा बताइए। मटेरियल साइंस पढ़ने का ये बेस्ट तरीका है कि जो भी क्वेश्चन आए उसके साथ में रिलेटेड जितने भी आपकी चीज़ें हैं हम लोग निकालें। तो फ्रेंड्स अभी आपसे क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया था कि आपका शॉक रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज हो सकता है, तो निकल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एडिशन ऑफ निकल स्टील, स्टील में यदि आप लोग निकल ऐड करेंगे तो उसकी क्या इंप्रूव होगी बताइए, है ना। तो अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, पीछे ही मैंने आपको नोट लिखवाया था निकल में क्या फ्रेंड्स यहां पर फटीग भी इंक्रीज हो रहा है क्या, देखो फटीग रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो रहा है क्या, शॉक एंड फटीग दोनों ही रेजिस्टेंस फ्रेंड्स क्या हो रहे हैं आपके इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये निकल इसका आंसर आ जाएगा, फटीग रेजिस्टेंस भी आपका क्या होता है इंक्रीज होता है आपका। अभी मैंने बताया कि कोरोजन किससे होता है, ये तो आपका क्रोमियम से होता है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन इज इट्स हाई, बताओ कास्ट आयरन में क्या चीज़ें ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स कास्ट आयरन क्या होता है आपको पता है, मैंने आयरन कार्बन डायग्राम आपको बताया था कि यदि अगर आप आयरन में कार्बन
2% से कम मिलाते हैं, ठीक है। यदि आयरन में जो कार्बन है अगर वो 2% से कम है तो ये आपका क्या होगा, स्टील होगा, ठीक है। और यदि आयरन में कार्बन यदि आप 2% से ज़्यादा मिलाएंगे तो वो कौन सा होगा, कास्ट आयरन होगा। और कास्ट आयरन फ्रेंड्स क्या होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब कांच की तरह होता है, आपका टूटते पड़ते ही टूटने की संभावना रहती है पूरी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए क्या मैंने आपको जब पढ़ाया था, ये मेरा ही पढ़ा हुआ है, यूट्यूब से मैंने क्या करी, इमेज काटी, क्या ये चीज़ें बताई थी कि आयरन कार्बन डायग्राम बताओ, किसी ने देखी थी क्या क्लास। तो एक एक्सिस पे फ्रेंड्स आपको ध्यान हो तो हमने टेम्परेचर लिया था, एक एक्सिस पे कार्बन कंटेंट लिया था, और मैंने बताया था कि 2% से ज़्यादा वाले को मैंने इधर ये बताया था कि कास्ट आयरन होता है, और कार्बन कंटेंट मिलता है तो फ्रेंड्स उसमें ब्रिटल नेचर बनती है, ठीक है। चले आगे, आगे हम लोग चलते हैं। फ्रेंड्स एक बार पेज रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार पेज रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, अब सही आ रहा है, एक बार पेज रिफ्रेश कर लीजिए, अब सही आ रहा है। कई बार टेक्निकल इश्यू हो जाता है, इतना घबराया मत करो, ठीक है, अब सही आ रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, थम्स अप एक बार सभी कर दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखा करिए। चलिए है ना, क्लास स्टार्ट करते हैं, देखो हाँ इस क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग देखिए। तो फ्रेंड्स ये क्या है, मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी है कि मैंगनीज से क्या होता है, ठीक है, क्रोमियम से क्या होता है, निकल से क्या होता है, मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा जैसे क्वेश्चन में आएगी, वैसे मैंने एक जगह आपको लिख दिया, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आपने यार आयरन सुना होगा कि यार ये रॉट आयरन क्या होता है, बताओ, व्हाइट कास्ट आयरन क्या होता है, ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, बहुत कंफ्यूज करते होंगे। तो देखो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछे रॉट आयरन क्या होता है, फ्रेंड्स ये आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है, आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। तो सबसे पहला जो आयरन का टाइप प्रोड्यूस हुआ था, द फर्स्ट टाइप ऑफ आयरन प्रोड्यूस एंड वर्क बाय ब्लैक स्मिथ वाज रॉट आयरन। सबसे पहला जो आपका आयरन था रॉट आयरन था, जो ब्लैक स्मिथ आपका यूज करते थे लोहार, वो कौन सा था आपका, रॉट आयरन था, ठीक है।
इट इज वर्चुअली प्योर एलिमेंटल आयरन डेट इज हीटेड इन अ फर्नेस बिफोर बींग रॉट यानी वर्कड विद हैमर ऑन एन एनविल। फ्रेंड्स इस पे कुछ वर्किंग करने से पहले जैसे मान लो इसको आपको मान लो तोड़ना है, मतलब इसको आप लोगों को मान लो थोड़ा इलोंगेट करना है, इसका वायर बनाना है, मतलब मान लो आप एनविल होता है ना एनविल, इसके ऊपर रख के आपका ब्लैक स्मिथ करता है उस पर हथौड़े देता है, तो इसको करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, हैमरिंग आयरन एक्सपेल्स मोस्ट ऑफ द स्लैग फ्रॉम द मटेरियल एंड वेल्डेड द आयरन पार्टिकल्स टुगेदर। ठीक है, ऐसा करने से जो भी इसमें स्लैग होगा यानी जो लावा होगा वो बाहर आ जाएगा और आयरन पार्टिकल्स आपके क्या हो जाएंगे, जैसे मान लो एक आपका ये क्या है, एक आपका रॉट आयरन की रॉड ये रही, एक दूसरी ये रही, दोनों को हीट करोगे आप लोग यदि हथौड़े मारोगे तो जो भी स्लैग था आपका गर्म लावा था बाहर आ जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं ये वाइट कास्ट आयरन क्या होता है। तो इस वाइट कास्ट आयरन में क्या होता है, जो कार देखो कास्ट आयरन तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, जिसमें कार्बन 2% से ज़्यादा होता है, जिस स्टील में है ना सॉरी जिस आयरन में कार्बन 2% से ज़्यादा होता है वो क्या होता है आपके कास्ट आयरन होता है। तो फ्रेंड जो वाइट कास्ट आयरन होता है तो इसमें कार्बन जो होता है किसके फॉर्म में होता है प्रेजेंट, किसके फॉर्म में होता है, फॉर्म ऑफ आयरन कार्बाइड है ना, आयरन कार्बाइड के बीच में के फॉर्म में आपको क्या होता है प्रेजेंट होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है, इसको मशीन करना डिफिकल्ट होता है, इसकी हार्डनेस अच्छी होती है, इट रेजिस्टेंस टू वियर है ना, यानी टीयर और वियर को आपका आराम से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं फाड़ नहीं सकते, जब वियर होता है ना तो वैसे आपको क्या हो जाएगा इजीली इसको हम लोग डिफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं रखना, मैं तो आपको बेसिक वेज बता रहा हूँ व्हाइट कास्ट आयरन क्या होता है ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करूँ ग्रे कास्ट आयरन तो इसको ग्रे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपको कास्ट आयरन में पता है कार्बन होता है, तो जो ग्रे इसको ये बोल रहे हैं क्योंकि जो कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है वो किसके फॉर्म में होता है ग्रेफाइट फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में होता है ग्रेफाइट फॉर्म में होता है। और फ्रेंड्स ये क्या होता है इट इज़ एक्सपेंसिव इनएक्सपेंसिव। ठीक है, इसकी मशीनेबिलिटी क्या होती है आपकी अच्छी होती है, गुड रेजिस्टेंस टू गैलिंग एंड वियर एंड इट हैज़ हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इट इज़ ब्रिटल। ये इसकी क्या है कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपको ध्यान नहीं रखना, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, जो नाम से आप लोग कन्फ्यूज होते हैं एग्जाम में नहीं आएगी इनकी प्रॉपर्टी, आप लोग बेसिक बेसिक जो बता रहा हूँ एक बार वो समझिए। बात आती है एक डक्टाइल कास्ट आयरन क्या होता है, तो डक्टाइल आपका क्या होता है, वैसे तो आपके कास्ट आयरन आपका क्या होता है ब्रिटल होता है, लेकिन ये जो डक्टाइल स्पेशल कास्ट आयरन है यानी जो आपका लीस्ट पॉसिबल कार्बन कंटेंट है हम लोग मिलाएंगे, तो फ्रेंड्स इसकी क्या होगी डक्टिलिटी आपकी ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ भी क्या है ज़्यादा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फ्लूडिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, फ्लूडिटी किससे इन्फ्लुएंस होती है किससे प्रभावित होती है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया फ्लूडिटी क्या होती है एबिलिटी टू फ्लो, तो जैसे आप लोग मुझे बताइए कास्टिंग होती है ना, कास्टिंग आपके सिलेबस से नहीं है, वैसे जैसे मान लीजिए कोई आपको आयरन आपने पिघला दिया उसको है ना, आयरन पिघला दिया और आपको क्या डालना है मोल्ड में डालना है, मोल्ड का मतलब सांचे में डालना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आपने कम टेम्परेचर पे यदि आप लोग इसको डाल रहे हैं तो वो क्या होगा थोड़ा सा रिजिड होगा, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होगा। अगर फ्रेंड्स इसका पावरिंग टेम्परेचर यानी जिस टेम्परेचर पे आप पावर कर रहे हो अगर वो बहुत ज़्यादा होगा तो इसकी फ्लूडिटी क्या होगी अच्छी होगी, तो फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इफ टी इज द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर द कोल्ड वर्किंग ऑफ स्टील इज डन एट। बात करते हैं ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था जैसे मान लीजिए कोई भी स्टील है ना, स्टील है अपनी, यदि आप लोग इसको हीट करोगे तो क्या इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी या नहीं होगी बताओ। हो सकता है इसकी हार्डनेस क्या हो जाए कम हो जाए, हो सकता है इसकी डक्टिलिटी बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स बोलने का मतलब है यदि आप लोग इसको हीट करोगे या आप इसको कोल्ड करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है चेंज होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो ग्रेन साइज होते हैं ना, ग्रेन साइज में चेंज होता है, ग्रेन साइज में। ठीक है, ग्रेन साइज में क्या होता है, ग्रेन साइज में क्या होता है चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फाइन ग्रेन की क्या होती है हार्डनेस ज़्यादा होती है, कोर्स ग्रेन की कम होती है, तो उनके ग्रेन साइज में चेंज होने की वजह से। अब बात करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे इसके ग्रेन के साइज क्या हो जाए चेंज हो जाए, ग्रेन का ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो कोई भी प्रोसेस है, मान लीजिए स्टील की क्या है फ्रेंड्स, ये प्लेट है, इसके ऊपर आप लोग क्या कर रहे हैं हैमरिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग क्या कर रहे हैं हैमरिंग कर रहे हैं, तो यदि इस स्टील का टेम्परेचर इसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर बढ़ा दिया और तब आप हैमरिंग कर रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉट वर्किंग प्रोसेस। और यदि मान लीजिए आप कोई भी ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं जैसे मान लो रोलिंग है, आपने
स्टील की डाल दो, यहाँ पर मान लो स्टील की रॉड डाल रहे हो और यहाँ से आप लोग स्टील की शीट निकालना चाह रहे हो, और मानिए आपका स्टील का जो टेम्परेचर है आप बढ़ाते थोड़ी हो रोलर में डालने से पहले, वही नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब इसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम है, तो ये आपका प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस हो जाएगा। तो आपसे बोलना चाह रहा है कि यदि इफ टी इज रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर द कोल्ड वर्किंग ऑफ स्टील इज डन, कब होगा जब टेम्परेचर टी से कम होगा, तो लेस देन टी, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई, इसके बारे में हम लोग कुछ और बता दें। अगर बात करूं स्टील के लिए रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की वैल्यू, तो फ्रेंड्स वो 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। कितने डिग्री सेल्सियस के आसपास? 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। अब आपका क्वेश्चन आएगा एक आगे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटन, इट कैन बी रोल्ड इन टू प्लेट, इट कॉल्ड, बताओ। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जिससे हम लोग इसको प्लेट में या फिर आपके क्या हो शीट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रोल कर सकते हैं, तो आपकी मेलेबिलिटी आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंग्रेडिएंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी इन स्टेनलेस स्टील, स्टील में हम लोग क्या मिला है कि इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस क्या हो आपका बढ़े इसमें, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। तो अभी आपको बताया था, नहीं बताया था, क्रोमियम में, ठीक है, कि क्रोमियम में क्या होता है आपका कोरोजन रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए, आपका क्रोमियम आंसर हो जाएगा। क्रोमियम से कोरोजन याद रख सकते हो, क्रोमियम से कोरोजन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रेन्स ऑन हीटिंग मेटल्स इज कॉल्ड, मैंने आप लोगों को बताया कि आपका जब रिक्रिस्टलाइजेशन होता है तो प्रोसेस क्या होता है, नए ग्रेन बनते हैं, हो सकता है बड़े से छोटे हो या फाइन ग्रेन बने, कोर्स ग्रेन बने, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं कि अरे ग्रेन साइज का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कोर्स ग्रेन्स यानी बड़े बड़े ग्रेन्स है ना, और आपके फाइन ग्रेन क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं, तो जो आपके कोर्स ग्रेन होते हैं ना, कोर्स ग्रेन मेटल इज लेस टफ, उसकी टफनेस क्या होती है, कम होती है। टफनेस कम होने का मतलब क्या है, वो जल्दी फ्रैक्चर हो जाएंगे वो, जैसे मान लो कोई आपके पास में रॉड है, ठीक है, मैं आपसे बात करूं आपकी क्या है ग्लास की है, तो ग्लास पे यदि आप हथौड़ा डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा ये, तो उसकी क्या होगी फ्रेंड्स, टफनेस कम होगी। तो कोर्स ग्रेन की साइज क्या होती है, लेस टफ होता है, ठीक है, एंड ग्रेटर टेंडेंसी टू कॉज डिस्टॉर्शन देन दी फाइन ग्रेन मेटल, फाइन ग्रेटर मैटर के कंपैरिजन में जो इनकी टेंडेंसी होती है, एंड हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू कॉज डिस्टॉर्शन, ठीक है, डिस्टॉर्शन का कारण होने का, टू कॉज डिस्टॉर्शन, आराम से आपका ये हो जाएगा। बात करते हैं कोर्स ग्रेन मेटल हैज अ बेटर वर्केबिलिटी, इस पर हम लोग वर्किंग ईजिली कर सकते हैं, ठीक है, हार्डनेबिलिटी इनकी बेटर होती है, एंड फॉर्जिबिलिटी, ठीक है, तो ये फॉर्जिंग आपके वैसे सिलेबस में नहीं है, जैसे मेटल फॉर्मिंग होता है, मेटल फॉर्जिंग होता है, तो हम लोगों को वो नहीं पढ़ना है, लेकिन ये कुछ मैंने आपको इफेक्ट बताए, ये आप लोग थोड़ा सा आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ग्रेन साइज, यानी ग्रेन साइज जितना छोटा होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी फ्रेंड्स, उतनी ही ज्यादा होगी, यानी आपकी फाइन ग्रेन की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। चले आगे बताइए, चीज़ें समझ में आ रही है, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक साथ एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। थम्स अप एक बार आप लोग कर दीजिए और सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है। आगे हम लोग चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट सॉफ्टनिंग एट हायर टेम्परेचर इज नोन एज, तो फ्रेंड्स सॉफ्टनिंग क्या होता है, पहली बात तो ये मुझे बताइए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात बताऊँ कि जैसे मान लो यार इस पर वर्क करना मुश्किल है, इस पे वर्क करना मुश्किल है, तो हम लोग बोलेंगे वर्क हार्डनिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें अंदर इंटरनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क हार्डनिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स सिमिलरली जो आपका सॉफ्टनिंग होता है, मतलब इसका अपोजिट है कि इजीली हम लोग इस पे वर्क नहीं कर सकते, तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो रजिस्ट करता है सॉफ्टनिंग का, तो फ्रेंड्स ये क्या होता है आपका हॉट हार्डनेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टफनेस इज रिलेटेड टू, टफनेस क्या होता है, हम लोगों ने किसमें स्ट्रेंथ तो मटेरियल का रिवाइज करा था, जब भी मैंने बताया था कि फ्रैक्चर होने से पहले अपने अंदर जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो ही क्या होता है, टफनेस होता है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल आफ्टर वर्क हार्डनिंग, वर्क हार्डनिंग के बाद में डक्टिलिटी क्या हो जाती है, तो फ्रेंड्स आप मुझे छोटी सी चीज बताइए कि वर्क हार्डनिंग आप लोग हो रही है ना, वर्क हार्डनिंग का मतलब अब आपके उसके ऊपर वर्क करना मुश्किल है, ठीक है,
तो उसके बाद में देखो इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ मैं कि वर्क हार्डनिंग होता क्या है। देखो वर्क हार्डनिंग आल्सो कॉल्ड कोल्ड वर्किंग। देखो कोल्ड वर्किंग का मतलब क्या है, मुझे खुद एक चीज़ बताओ। कोल्ड वर्किंग का मतलब ये है कि हम लोग कम टेम्परेचर पर वर्क कर रहे हैं। अगर हाइयर टेम्परेचर पर होता वो ईजिली क्या हो जाता, डिफॉर्म हो जाता। लेकिन हम लोग कोल्ड वर्किंग कर रहे हैं, लोअर टेम्परेचर पर कर रहे हैं, तो वो आपका क्या वर्क हार्डनिंग है, यहाँ पर वर्क करना मुश्किल है। तो वर्क हार्डनिंग आल्सो कॉल्ड कोल्ड वर्किंग इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। आप लोग मटेरियल को क्या कर रहे हो, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हो अगर आप लोग कोल्ड वर्किंग कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका रोलिंग होता है, रोलिंग भी क्या होता है, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है। यहाँ पर आप लोग क्या डालोगे, रॉड डालोगे और रॉड से जो आप लोग शीट्स निकालोगे, एक कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। इसमें क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, देखो इन कोल्ड वर्किंग मटेरियल इज हीटेड बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन। मैंने बताया कोल्ड वर्किंग कहाँ पर होती है, रिक्रिस्टलाइजेशन से कम पे होती है। ठीक है, एंड उसके बाद में क्या होता है, मैकेनिकली डिफॉर्म होता है। जैसे मान लो ये आपका, इस पर टेम्परेचर आप ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे, मान लो 50 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस पे वर्क हो रहा है, रिक्रिस्टलाइजेशन तो 700 डिग्री सेल्सियस है, आप रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम कर रहे हो, फिर आप लोग क्या कर रहे हो, उसको मैकेनिकली डिफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, और वर्क हार्डनिंग से क्या होता है, ब्रिटलनेस बढ़ती है। यानी जो ये वाला आपका चीज बाहर निकलेगी इसकी ब्रिटलनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। थम्स अप कर दीजिए, सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई, थम्स अप आप लोग कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कोल्ड वर्किंग हॉट वर्किंग में डिफरेंस क्या होता है। तो पहली चीज़ क्या है, इधर मैंने कोल्ड वर्किंग लिखी, इधर मैंने क्या लिखी, हॉट वर्किंग लिखी। तो अभी मैंने बताया कोल्ड वर्किंग आपके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे पे होती है, हॉट वर्किंग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से क्या होती है, ऊपर पे होती है। ठीक है, इट इज डन बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर सो इट इज अकम्प्लिश्ड बाय स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब क्या, उसमें स्ट्रेन लाना उतना ही हार्ड है, वही आपका वर्क हार्डनिंग हो गया। क्लियर, जबकि आपका हार्डनिंग ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। ठीक है, क्योंकि हॉट वर्किंग में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत ज़रूर होता है, जिसके कारण जो आपकी हार्डनिंग होती है, मतलब जो स्ट्रेन लाना जो मुश्किल था, वो आपकी कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाती है। और नेक्स्ट चीज़ क्या है आपका, कोल्ड वर्किंग डिक्रीजेज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल लाइक इलोंगेशन रिड्यूसेज ऑफ एरिया। कोल्ड वर्किंग का मतलब क्या, आप उसका टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं रहे तो उसकी प्रॉपर्टी बढ़ सकती है क्या, उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इलोंगेशन बढ़ सकता है क्या, नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी आप लोग लो टेम्परेचर वर्क कर रहे हैं। जबकि मैं बात करूँ हॉट वर्किंग में तो इट इंक्रीजेज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, चीजें क्लियर है। कोल्ड वर्किंग में देयर इज मोर रिस्क ऑफ क्रैक, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कोल्ड वर्किंग से क्या होती है, ब्रिटलनेस आती ही नहीं आती। चीजें थम्स अप करते रहिए, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि इससे ब्रिटलनेस आती है और देयर इज लेस रिस्क ऑफ क्रैक आपका। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। कोल्ड वर्किंग से क्या होती है, उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप बढ़ती है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, पहले मान लो उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 100 मेगा पास्कल था, इसका मतलब टेंशन लोड लगाओगे तो 100 मेगा पास्कल तक ये यदि स्ट्रेस डेवलप हो तो ये क्या होगा, फेल नहीं होगा। लेकिन अब ये बढ़ के मान लो 100 की जगह 120 हो गई, ठीक है ना, बट डिक्रीजेज रेजिस्टेंस टू कोरोजन। लेकिन कोरोजन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस पहले कर पा रहा था वो उतना कर नहीं पाएगा, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। जबकि हॉट वर्किंग में जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, यील्ड पॉइंट कोरोजन रेजिस्टेंस आर अनअफेक्टेड, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आगे आगे हम लोग चलते हैं, देखिए। ठीक है, कोल्ड वर्किंग में आपका क्या होता है, इंटरनल एंड रेजिडुअल स्ट्रेस आर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इसमें आपका मटेरियल क्या होता है, देखो आप मुझे बताइए, यदि इंटरनल स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा तभी तो ब्रिटल होगा और आराम से टूटेगा। इंटरनल स्ट्रेस है, आराम आपस में मटेरियल एक दूसरे लड़ रहे हैं, अंदर लड़ रहे हैं, इंटरनल स्ट्रेस है, तभी तो आपका ब्रिटल होगा ज्यादा। ठीक है, जबकि इसमें इंटरनल एंड रेजिडुअल स्ट्रेसेस आर नॉट प्रोड्यूस। आई होप हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग का आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं आगे, कोल्ड वर्किंग के एग्जांपल क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यदि आप रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप एक्सट्रूजन कर रहे हो, यहाँ से बार डाली, यहाँ से बार आपने क्या करी, निकाली, एक्सट्रूजन बोलते हैं इसको। जैसे आप लोगों ने पेस्ट में देखा होगा, जब हम लोग सुबह टूथपेस्ट से हम लोग करते हैं, आप लोग पीछे से दबाते हो, यहाँ से आप लोग क्या होता है, पेस्ट बार आता है। ठीक है, ये आपका फोर्जिंग हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ये आपके एग्जांपल्स हो गए, है ना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इन अ टेंशन टेस्ट ऑफ अ स्पेसिमेन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टेस्ट पीस इज कॉल्ड। ये हम लोगों ने किसमें बात करी थी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कि यदि कोई रॉड है, आप लोग टेंशन नेचर का फोर्स लगा रहे हो, एक एक्सिस पे यदि स्ट्रेस लो, एक एक्सिस पे यदि स्ट्रेन लो, तो फ्रेंड्स आपका क्या कर्व ऐसा आ रहा था क्या, तो ये यहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस आया था ये कहता है आपका लोड अपॉन एरिया, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रही थी इसी को तो हम लोगों ने क्या बोला था, अल्टीमेट स्ट्रेस बोली थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लोड, क्योंकि आपका मैक्सिमम लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, इट विल बी अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, चलिए, विच फेनोमिना
इज नॉट यूज्ड इन द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस। तो देखो हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस क्या है आपका, जल्दी से बताइए। आपका इंडेंटेशन भी इससे रिलेटेड है कि आप लोग इंडेंट नहीं कर सकते हो, दंत टूटता का मतलब उसको दांत से होता है ना इंडेंट, जैसे अभी मैंने आपको हार्डनेस टेस्ट में बताया, ठीक है। वियर ये भी आपके से रिलेटेड है, स्क्रैच ये भी से रिलेटेड है, लेकिन फ्रेंड्स फ्रैक्चर आपका हार्डनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, आपका हार्डनेस से रिलेटेड नहीं है। हार्डनेस बेसिकली क्या होता है, आपका एक सरफेस प्रॉपर्टी होती है कि यदि आप लोग उसमें इजीली स्क्रैच नहीं कर पा रहे, इट मीन्स वो आपका क्या हार्ड है। जैसे आपका ग्लास है, आप लोग उस पर इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते, ठीक है, उस पर खरोच नहीं ला सकते ऐसे, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाई इलास्टिक मॉड्यूल्स इन मटेरियल अराइजेस फ्रॉम, ठीक है, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि किस में इलास्टिसिटी बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक सॉलिड ये है, एक सॉलिड ये है, दिस इज सॉलिड नंबर वन, दिस इज सॉलिड नंबर टू, किस में इलास्टिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जिसमें बॉन्ड अच्छे होंगे या बेकार होंगे। तो देखो इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर डिफॉर्मेशन, ठीक है। अगर डिफॉर्मेशन हो गया और लोड आप लोग हटाओगे तो अगर ओरिजिनल डायमेंशन रीगेन करा तो उसको हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। देखिए सॉलिड के अंदर मैंने माना के जो बॉन्ड थे बहुत अच्छे थे, क्या थे, बहुत अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, और इसमें मैंने माना ऐसे वीक थे, है ना, इसमें मैंने माना वीक थे। अब फ्रेंड्स आपने क्या करा, इसको डिफॉर्म करा, ये आपका डिफॉर्म हो गया, लेकिन इसके बॉन्ड तो अच्छे हैं, इसको वापस इसको अपने पास पकड़ के ले आएंगे, तो फ्रेंड्स इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, अच्छी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इसका आंसर सही होगा, तो ए विल बी योर राइट आंसर। चले आगे, आगे हम लोग चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू रजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड इज नॉन एज, तो फ्रेंड्स आपका टफनेस क्या होता है, आपका एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, तो ये आपका शॉक से रिलेटेड होता है, इम्पैक्ट लोड आपके आया या नहीं, है ना, इम्पैक्ट एकदम से इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट ये आपका फेल नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि अपनी जो भी एनर्जी वो आ रही थी। जैसे मैं आपसे बात करूँ, ये आपकी मैं इसका बोल रहा हूँ, इसकी टफनेस अच्छी है या नहीं है, है ना। तो टफनेस क्या होता है, आपकी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी। तो मान लो कोई एम मास की बॉडी है, है ना, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई मटेरियल ऐसे रखा है, है ना, तो कोई एम मास की बॉडी है, अगर ये वी वेलोसिटी से जा रही है तो इसके पास में एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। फॉर एग्जांपल ये 50 जूल है, तो जब इसे टकराएगी, अगर ये 50 जूल पूरी एब्जॉर्ब कर ले, इम्पैक्ट से टकरा रही है, तो फ्रेंड्स ये अगर फेल नहीं हो रहा, इसका मतलब इसकी टफनेस क्या अच्छी है, तो इट इज़ रिलेटेड टू टफनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ कार्बन प्रेजेंट इन कास्ट आयरन इज पार्टली फ्री एंड पार्टली इन कंबाइंड स्टेट इट इज कॉल्ड, तो यदि कार्बन आपका ग्रेफाइट फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग ग्रे कास्ट आयरन बोलते हैं, लेकिन ये क्या होता है, पार्टली फ्री। तो देखिए फ्रेंड्स ये होता है आपका मोल्टेड कास्ट आयरन। तो बात करें कि मोल्टेड कास्ट आयरन क्या होता है इसमें, तो इसमें आपके फ्री फॉर्म्स होता है, फ्री सीमेंटेंट एंड ग्रेफाइट फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स का मतलब ऊपर से देखो आपको ऐसे दिख रही होगी फ्लेक्स, तो ये आपका क्या होता है, ज़रा डिटेल में नहीं जाना, डेट इज़ द मोल्टेड कास्ट आयरन आपका, ठीक है। ये आपका कौन सा हो जाएगा, मोल्टेड कास्ट आयरन, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया मोल्टेड, ये मोल्टेड आएगा आपका, ये क्या होता है, तो ये आपको जो चीजें मैंने बताई पहले वाला कि इसमें आपके फ्री फॉर्म्स में रहते हैं बेसिकली, वो आपको ये याद रखना है। चलो आगे हम लोग चलते हैं। आपने एक चीज और सुना होगा यार, चिल्ड कास्ट आयरन क्या होता है, तो चिल्ड क्या होता है, कोई भी चीज ठंडा होना, तो क्या ठंडे को आप लोग फ्रिज में कास्ट आयरन को फ्रिज में रख दोगे तो उसको चिल्ड कास्ट आयरन बोलोगे क्या, नहीं। ये आपका क्या है, इट इज अ वास्ट वाइट कास्ट आयरन प्रोड्यूस बाय क्विक कूलिंग ऑफ मोल्टन आयरन। जो आपका मोल्टन आयरन है उसकी यदि क्विक कूलिंग करो, मतलब पानी में डाल दिया एकदम से, तो जो फॉर्म होगा डेट इज विल बी चिल्ड कास्ट आयरन, ठीक है। तो द क्विक कूलिंग इज जनरली कॉल्ड चिलिंग एंड द कास्ट आयरन सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड चिल्ड कास्ट आयरन। चिल्स आर यूज ऑन एनी फेसेज ऑफ अ कास्टिंग विच आर रिक्वायर्ड टू बी हार्ड टू विस्टैंड वियर एंड फ्रिक्शन। जो ये आपका कास्ट आयरन है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कास्टिंग करी आपने, कास्टिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके बारिश में क्या हुई, आपकी मिट्टी गीली हुई, ठीक है, तो आपने मान लो उससे बॉल बना ली, तो ये क्या है आपकी कास्टिंग ही तो करी, क्योंकि आपने मान लो अपने हाथ का जो साँचा है उसमें आपने कोई क्या बना लिया, कोई भी एक प्रोडक्ट बना लिया, तो ये आपकी क्या कास्टिंग है। तो यदि इसके ऊपर यदि आप लोग चिल्ड कास्ट आयरन यदि आप लोग लगाओगे तो फ्रेंड्स ये वियर और फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपका जो रेजिस्टेंस मिल रहा था वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। चले आगे। अब हमारे पास में यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो थम्सअप करो, सभी बढ़िया है, मतलब सभी चीज़ थम्सअप करो, चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, थोड़ी सी फ़ायदा हो रहा है
क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारे, साथ में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मटेरियल साइंस का एक भी क्वेश्चन आपका अटकने वाला नहीं है। फ्लूड मैकेनिक्स में तो आप बादशाह हुई, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो आप लोग बादशाह हुई, थर्मोडायनेमिक्स तो आता है, लेकिन जो मेहनत हम लोगों को करनी है मटेरियल साइंस में, वेल्डिंग में, मशीनिंग में, ऐसा पढ़ा देंगे हम लोग कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग इधर करा रहे हैं, आपको साथ में मेहनत करनी है, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आने वाला है आपका, ठीक है। साथ में नॉन टेक की प्रिपरेशन भी आप लोग करते रहिए, जिससे आप लोगों का मैक्सिमम स्कोर आता रहे। चले आगे बताइए, सर रुकिए और ये बताइए मैराथन क्लास होगी क्या? तो आप मेरे को रोक रहे हो, मैं 2 घंटे आराम करके फिर बोलूँ 3 घंटे क्लास ले लूँ, 2 घंटे आराम, तो मैं आपके इधर फालतू में कोई कमेंट नहीं करता हूँ, जिससे आप लोगों का क्लास जो 1 घंटे की बिल्कुल सटीक क्लास होती है, आपको तो ये चाहिए बीच में मज़े करते रहे, टीचर ऐसे हंसी मजाक सुनते रहे कि मैं कॉलेज में ऐसा था, है ना, और क्लास निकाल दो 5 घंटे की, फिर बोलो अरे वाह सर आप तो बादशाह हो सर, ग्रेट सैल्यूट, आप तो भगवान हो, 5 घंटे की क्लास ली आपने, है ना। तो वो काम नहीं है, बिल्कुल सटीक पढ़ना है हम लोगों को, कंटेंट से पढ़ना है, सारा कंटेंट मैंने लगा दिया है, जिससे आप लोगों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, आप लोग बाद में कर सके, ठीक है। चलो इधर आप लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे कास्ट आयरन क्या है, ये रॉट आयरन क्या है, ये स्टील क्या है, समझ नहीं आया आज तक, ये आयरन और क्या है? तो आयरन और तो क्या है, बिल्कुल मान लो आयरन की और होती है ना, जैसे मान लो आप, जैसे मान लो ये मान लो गोला है आपके पास में, आयरन की और है ना, तो इससे आप लोग क्या क्या बना सकते हो? तो आयरन की और से फ्रेंड्स आप लोग इसको यूज़ करने के लिए तो कुछ ना कुछ इसका फॉर्म चेंज करोगे। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ करके, अभी सारी चीज़ें बताऊंगा, ब्लास्ट फर्नेस करते हो उसको हम लोग पिग आयरन में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, किस में, पिग आयरन में, ठीक है फ्रेंड्स। पिग आयरन के बाद में यदि हम लोग कपोला में हम लोग डालेंगे तो कास्ट आयरन में कंपीट कर सकते हैं, जो आपका पडलिंग नाम का फर्नेस होता है उसे रॉट आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके स्टील कैसे बना सकते हैं, इसके 4 प्रोसेस अभी सारे बताऊंगा, बेसेमर कन्वर्टर से कर सकते हैं, ओपन हेड फर्नेस से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस से कर सकते हैं, बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस से, तो सारी चीज़ें मैं आपको 1 by 1 बताने वाला हूँ, बिल्कुल घबराने वाली बात आपको नहीं है। देखो सबसे पहले कुछ देखते हैं, देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटल, आपको होता है 2 टाइप के मेटल होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस कम्स फ्रॉम और कंटेन आयरन, ठीक है, फेरस फॉर्म होता है जो खुद एक आयरन है या फिर आयरन कंटेंट होता है, जबकि आपके नॉन फेरस आपके कौन से होता है जिसमें कोई आयरन कंटेंट नहीं होता है, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ फेरस के कौन कौन से हो जाएंगे, स्टील हो जाएगा, आपको पता है स्टील में तो पूरा ही आपका आयरन से बना है, ठीक है, आयरन प्लस आपका 2% से कम वाला जो चीज़ है वो आपके स्टील है, ठीक है। कास्ट आयरन में क्या हो जाएगा, आयरन प्लस 2% से ज़्यादा कार्बन वाला आपका कास्ट आयरन हो जाएगा। हाई स्ट्रेंथ स्टील, ये टूल स्टील सारे क्या है आपके, किसके एग्जाम्पल, फेरस के। जबकि नॉन फेरस के मैं बताऊँ तो एग्जाम्पल आपका कॉपर में क्या कोई आयरन अलॉय है, नहीं है, एल्यूमिनियम में नहीं है, मैग्नीशियम टाइटेनियम नहीं है, ठीक है। टू मेक स्टील आयरन और इज, अगर आपको स्टील बनाना है तो जो आयरन की और होती है इज फर्स्ट माइंड फ्रॉम द ग्राउंड, पहले हम लोग ग्राउंड से जो निकालते हैं ना वो क्या निकलता है, आयरन की और निकलती है, आयरन की क्या निकलती है, और जैसे मान लो बच्चा हुआ है ना, छोटा बच्चा है कोई, है ना, 1-2 साल का है, तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन उस बच्चे को डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, पायलट बना लो, तो जैसी शिक्षा दोगे वैसे तो आपको चीज़ मिलेगा, क्लियर। तो फ्रेंड जो आयरन की और है आप लोग कुछ भी बना सकते हो, उसे स्टील बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, तो जैसा कार्बन कंटेंट डालोगे या जैसा हीट ट्रीटमेंट करोगे वो वैसा बन जाएगा, क्लियर। तो जो हमको आयरन और मिलती है ग्राउंड से, जो मिली माइंड फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज़ देन स्मेल्टेड इन ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग डालते हैं, जिससे वेयर द इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड, इसमें जो भी इम्प्योरिटीज होती है क्या होती है, रिमूव होती है, एंड कार्बन इज एडेड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बन एडेड करते हैं। इनफैक्ट अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टील इज आयरन अलॉयड विथ कार्बन, यूजली लेस देन 1% और 2%, यू कैन से 2% से कम में आपका क्या होता है, स्टील होता है, ठीक है। अब देखो ये आप लोगों को ब्लास्ट फर्नेस दिख रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, देखो ब्लास्ट फर्नेस रिक्वायर मैनी ऑक्सिलरी फैसिलिटी टू सपोर्ट देयर ऑपरेशन, हाउ वेन सिंपेस्टम द फर्नेस इट सेल्फ इज अ ह्यूज स्टील शेल ऑलमोस्ट सिलेंडर इन शेप एंड लाइन विथ हीट रेजिस्टेंट ब्रिक वन स्टार्टेड और ब्लोअर इन द फर्नेस। एक काम करता हूँ मैं, जब हम लोग आगे अभी क्वेश्चन होंगे उसमें ब्लास्ट फर्नेस को समझाता हूँ, वहाँ पर आप लोगों को समझ आएगा पूरी ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया आयरन और इसमें हम लोग ये डाल के सारा ब्लास्ट फर्नेस हम लोग क्या बनाते हैं, स्टील में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो ये चीज़ हम लोग करेंगे, देखो ब्लास्ट फर्नेस सारी, देखो जैसे मैंने आपको बताया स्टील के तरीके क्या क्या है, स्टील बनाने के, मैन्युफैक्चर करने के, अभी मैंने आपको बताया सीमेंटेशन प्रोसेस होता है, क्रूसिबल प्रोसेस होता है, आपके बेसमर प्रोसेस होता है, ओपन आउट होता है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, इलेक्ट्रिक प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ें मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि एक एक प्रोसेस क्या होता है, जब तक पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, फिर हम लोग लास्ट में थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे मान लो डुप्लेक्स स्टील,
हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जब तक हम लोग थोड़ा सा कुछ आगे पढ़ते हैं। बात करते हैं टूल स्टील कंटेंट्स, पहले इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब बताइए। जल्दी से बताइए। देखो अब आपको एक यहाँ पर नई चीज़ सीखने को मिलेगी, वो नई चीज़ क्या है देखिए। देखो यदि आप किसी में स्टील में टंगस्टन डालते हो तो फ्रेंड्स उसका क्रिटिकल टेम्परेचर बदलता है। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो आपके अल्फा आयरन आपको मैंने बताया था सारी चीज़ें, ठीक है। तो हैंस इट इज़ यूज फॉर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अलॉयड स्टील, की स्ट्रेंथ आपको बढ़ाने में आपका यूज़ आता है, ठीक है टंगस्टन। एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखोगे, इट इम्पार्ट्स कटिंग हार्डनेस एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज टू स्टील व्हेन एडेड टू एक्सटेंट ऑफ 5-6%। जब ये 5-6% मिलाया जाता है तो फ्रेंड्स ये क्या देता है, गुड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देता है। आप वो बोलोगे टूल स्टील का टंगस्टन से क्या लेने देना, सब चीज़ें बताएंगे, टेंशन मत लो। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से क्या याद रखोगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से टंगस्टन कैसे याद रखिए बताओ, ठीक है कैसे याद रखें इसको, MPT याद रख लेना आपका क्या हो जाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किससे आती है आपके, जल्दी से बताइए किससे आती है, टंगस्टन से आती है। जैसे ऐसे लिख दो इसका TMP को ऐसे कर सकते हैं, तुम्हारे पिताजी महान, ठीक है। आप सभी के पिताजी ऑब्वियसली सभी के फादर महान होते हैं, तो तुम्हारे उल्टा लिख दिया सॉरी, तुम्हारे पिताजी महान, ये याद रख लेना, ठीक है। तो आपकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है किससे बढ़ती है, टंगस्टन से बढ़ती है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, RRBJEE में भी आता, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किससे इंप्रूव होती है, टंगस्टन से होती है। आगे हम लोग चलते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया, आपने कभी सुना है कि हाई स्पीड स्टील क्या होता है, सुना है हाई स्पीड स्टील, ठीक है। तो देखिए जब आपका किसी स्टील में यदि आप 18% टंगस्टन मिला रहे हैं, 18% यदि आप लोग टंगस्टन मिला रहे हैं, 18% यदि टंगस्टन मिला रहे हैं, 4% यदि आप लोग क्रोमियम मिला रहे हैं और 1% वेनेडियम मिला रहे हैं और 0.7% यदि आप लोग उसमें कार्बन मिला रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूल स्टील बोलते हैं और हाई स्पीड स्टील बोलते हैं। हाई स्पीड स्टील को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये टूल हाई स्पीड में क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, और आपके हाई ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा डेवलप होगा और ये क्या कर सकते हैं, विदस्टैंड कर सकते हैं हाई टेम्परेचर के साथ में, ठीक है। चले आगे। तो फ्रेंड्स टूल स्टील क्या होता है, टूल स्टील में आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, अब हम लोग देखते हैं कार्बन कितना परसेंट होता है। मैंने बताया 0.7% के आसपास क्या होता है, कार्बन होता है। तो चले क्वेश्चन में, तो टूल स्टील कंटेंट्स ऑफ कार्बन, कार्बन कितना परसेंट होता है, तो मैंने बताया आपको 0.7% होता है। तो इसमें जो ऑप्शन के सबसे क्लोज है फ्रेंड्स वो कौन सा हो जाएगा, 0.6% भी है, 0.9% भी है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आना चाहिए डेट इज 0.6 आपका आना चाहिए। हालांकि आप लोग इसका आंसर 0.9 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, जनरली 0.7 से ज़्यादा ही होता है, तो आप लोग 0.9% आप लोग याद रख सकते हैं, जनरली 0.7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 0.9 इसका कर लो, ठीक है। चले आगे। तो टूल स्टील, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सिलिकॉन की भी, सिलिकॉन क्या करता है, ठीक है, सिलिकॉन क्या करता है आपका, देखो क्या इट इंक्रीज स्ट्रेंथ और हार्डनेस तो आपको बताता ही है विदाउट लोवरिंग इट्स डक्टिलिटी, यानी इसकी डक्टिलिटी कम नहीं होने देता, जबकि इसकी हार्डनेस और क्या बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स हम लोग सिलिकॉन स्टील्स कंटेनिंग फ्रॉम 1-2%, यदि किसी स्टील में 1-2% यदि सिलिकॉन है और 0.1-0.4% कार्बन है, तो इनकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, अच्छी होती है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, आपने सुन रखा होगा म्यू नॉट, ठीक है, जब फिजिक्स में पढ़ा होगा 12th की। एंड हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या करते हैं, हाई प्रोवाइड करते हैं। देखो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब क्या है, ध्यान से आप लोग समझ लो। जैसे मान लो कोई वायर है, आपको पता है जो भी करंट कैरिंग वायर होता है एज अ मैग्नेटेट करता है, तो उसके चार ओर कितना ईजिली मैग्नेटिक फील्ड बना पा रहा है, डेट इज़ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। ये सारी बात हो गई सिलिकॉन की। देखो ये मैग्नीज की बात हो गई, ठीक है, मैग्नीज आप लोग बात कर लोगे। इट इज़ एडेड टू स्टील इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड बाय कंबाइनिंग विद सल्फर। इट इज़ यूजुअली एडेड इन द फॉर्म ऑफ फेरो मैग्नीज और सिलिको मैग्नीज। ये आपको देखो अलॉय एलिमेंट्स, आपको थोड़े से याद रखना है किसका काम कहाँ पर होता है। मैंने कोबाल्ट का लिख दिया आपका, ठीक है। अगर आपको इम्पैक्ट रेजिस्टेंस आपको डिक्रीज करना है, ठीक है, देखो इट इंक्रीजेज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ बट टू मच, ये क्या करता है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, लेकिन यदि आप लोग बहुत ज़्यादा मिला देंगे तो क्या होगा, हो जाएगा जो उसकी इंपैक्ट रेजिस्टेंस है, यानी कोई चीज़ यदि ये आपका पहले क्या होता, कोई चीज़ आपके इस पर इंपैक्ट से आके पड़ रही थी तो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर पा रहा था, ठीक है, फेल नहीं होता। लेकिन यदि कोबाल्ट आप लोग ज़रा
मिलाओगे तो इसकी जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, बताइए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म एंड करेक्टिव मैग्नेटिक फोर्स इन स्टील फॉर मैग्नेट्स। ये मैग्नेट्स में भी आपका क्या होता है, यूज होता है आपका कोबाल्ट, ठीक है। ये आपके मोलिब्डेनम की बात हो गई। मोलिब्डेनम क्या हो गया, जो टंगस्टन था ना, किसमें, हाई स्पीड स्टील में, ये क्या कर सकता है, इसको रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, यानी उसका काम ये कर सकता है। चीजें क्लियर। चलिए, मोलिब्डेनम एक स्टील नाम की चीज होती है जिसमें आपका 0.15 से 0.3% आपका मोलिब्डेनम क्रोमियम और मैग्नीशियम कितने में 0.5 से 0.8% मिलके ये आपका क्या बनाता है, मोलिब्डेनम स्टील बनाता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ें याद रखना है। ये बीच बीच में भगुराम नेहरा जी बोल रहे हैं आई लव यू प्रिया, ये अभी क्या भैया इधर पढ़ लो भगुराम जी, ठीक है। तो यहाँ से भागते दिखोगे जब नौकरी लगेगी, ठीक है। देखो चलिए, हाँ जल्दी से बताइए, हाई स्पीड स्टील टूल मटेरियल कंटेंस कार्बन, कार्बन कितना होता है हाई स्पीड स्टील में, तो मैंने अभी आपको बताया कितना होता है, 0.7% होता है, बताया नहीं बताया, तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ। अरे 0.7% बताया नहीं बताया, तो क्या हो जाएगा, 0.6 से 1% के बीच में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, कास्ट आयरन इज कैरेक्टराइज बाय मिनिमम ऑफ फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन कितना परसेंट होना चाहिए मिनिमम, तो मैंने बताया कास्ट आयरन में क्या होता है, 2 से कम परसेंट तक स्टील रहेगा, तो एटलीस्ट 2 से आपका जब बढ़ाएंगे वो क्या हो जाएगा आपका कास्ट आयरन होगा, तो आपका 2% आपका मिनिमम होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमियम इन स्टील, क्रोमियम का क्या काम होता है, क्रोमियम का क्या काम होता है, क्रोमियम का, तो अभी मैंने आप लोगों को ये बताया था क्रोमियम क्या करता है, कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो कोरोजन रेजिस्टेंस का मेरे पास में एक ही आपका ऑप्शन होता है, एंड एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी जिसकी रहती है, यानी कोरोजन का रेजिस्टेंस करता है, तो इसका फ्रेंड आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और बाकी और भी प्रॉपर्टी है लेकिन यहाँ पर क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ पर डेवलप करता है ये, ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि स्ट्रेंथ आपका क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है, तो आपका लो कार्बन स्टील होता है, मीडियम कार्बन स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील होता है। तो देखो मैं आपको सॉरी आपके पास में दिख रहा है चार तरह के क्या है आपके स्टील है, एक होता है आपका डेड माइल स्टील, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है 0.15% से आपका क्या होता है कम आपका कार्बन होता है। अगर मैं आपसे बात करूं लो कार्बन या माइल्ड स्टील तो उसमें 0.15 से 0.45 होता है, अगर मीडियम कार्बन स्टील की बात करें तो 0.45 से 0.8 होता है। हालांकि परसेंटेज अलग अलग बुक में थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन आप लोग इतना याद रख सकते हैं एक जगह 2% तक आपका हाई कार्बन स्टील रहेगा, तो 0.8 से आपका 1.5% तक कार्बन क्या रहेगा आपका, हालांकि इसको आप लोग 2% तक भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रहेगा तो आप लोग स्टील ही, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन हाई कार्बन स्टील, तो हाई कार्बन स्टील में मैंने अभी आपको बताया 0.8 से 1.5% के बीच में रहता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा जल्दी आप लोग बताइए, ठीक है। ये बोल रहा ग्रेटर देन 1.8%, 1.8% से ज़्यादा, ऐसा नहीं है, आप लोग इसको फॉलो करिए जो चीज़ें मैंने बताई। हर कार्बन स्टील क्या होगा 0.8 से 1.5% के बीच में जो होता है, हालांकि कार्बन आप लोग ज़्यादा बढ़ा हो गए तो वो हाई आपके अकॉर्डिंग हाई कार्बन में आना चाहिए, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता है, ठीक है। तो हम लोग जो बीच में हम लोग रखते हैं, बताइए क्या आंसर आना चाहिए बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, विच मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन टूल बेड, तो फ्रेंड्स इसके लिए जो आपका मटेरियल यूज होता है जल्दी से बताइए कौन सा होता है, विच मटेरियल इज यूज इन, तो फ्रेंड्स आपका जो होता है कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन में भी कौन सा, ग्रेट कास्ट आयरन। डैश इज प्रेजेंट इन हाई परसेंटेज इन मैग्नेट स्टील, बताइए जो आपकी मैग्नेटिक स्टील होती है तो उसमें क्या होता है जल्दी से बताइए। अभी मैंने आपको बताया था तुम्हारे पिता महान, याद है क्या, ठीक है, तो आपकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी किससे इंक्रीज होती है, टंगस्टन से होती है, बी इसका आंसर
हो जाएगा, ठीक है। टंगस्टन से मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती है आपकी, इसके इंक्रीज होती है, कॉमनली यूज फॉर मैग्नेट्स इन एकोंट्रा, ठीक है। देखो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी आगे इन ब्लास्ट फर्नेस। तो देखो ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग जो फ्यूल यूज करते हैं कौन सी करते हैं, कोक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कोक। ध्यान रखेंगे क्या यूज करते हैं? कोक। अभी मैं पढ़ाऊंगा ब्लास्ट फर्नेस, वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं? कोक यूज करते हैं। क्या करते हैं? कोक यूज करते हैं। कोक रॉ मटेरियल फॉर ऑल आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसेस। इनके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है सभी के लिए, ठीक है। तो ये आपके सभी में क्या होता है? आपका पिग आयरन आपका रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है? पिग आयरन, ठीक है, पिग आयरन। अभी मैंने चार्ट बनाया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया आयरन ओर है ना, आयरन की जो ओर हमको माइन से मिली उसको यदि हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में डालेंगे तो ब्लास्ट फर्नेस आपका किस में कन्वर्ट होगा? पिग आयरन में होगा। और पिग आयरन को यदि आप लोग स्मेल्टेड कर रहे हो, उसको हैमर कर रहे हो, ठीक है, रोल कर रहे हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका रॉट आयरन में, ठीक है। यदि आप लोग उस पिग आयरन को वापस मेल्ट कर रहे हो, ठीक है, पावर्ड इनटू सैंड मोल्ड्स, आप लोग उसको सांचे में डाल रहे हो, तो फ्रेंड्स वो क्या बनता है? कास्ट आयरन बनता है। चीज़ें क्लियर है क्या? क्लियर फ्रेंड्स। यदि आप लोग उसको स्मेल्टेड कर रहे हैं, अलॉय कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, अलॉय का मतलब कुछ एलिमेंट्स मिला रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? माइल्ड आयरन हो जाएगा, स्टील बन जाएगा। जैसे कि आप होता है स्टील में कार्बन कंटेंट वगैरह आप वेरी करोगे तो आप लोगों को बन जाएगा। चीज़ें क्लियर? तो इन सभी का बेसिक क्या है? पिग आयरन। ये आप लोग चार्ट याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड कास्ट आयरन। चिल्ड कास्ट आयरन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बताइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया इट्स प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस टू वियर जब हम लोग किसी के सरफेस पे लगा रहे थे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। स्टील हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ 6.67% कार्बन एंड 93.33% आयरन इज नोन एज। तो ये आपको पता है जब हम लोगों ने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा था, ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा था, कुछ ऐसा पढ़ा था, नहीं पढ़ा था बताइए। तो यहाँ पर 6.67% कार्बन पे हम लोगों ने क्या बोला था? सीमेंटाइट बोला था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज टू द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो आयरन का अभी मैंने आप लोगों को बताया जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है डेट इज द रॉट आयरन, ठीक है, रॉट आयरन। तो रॉट आयरन आपका क्या है? केवल इसमें 0.15% क्या रहता है? कार्बन रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहता है? प्योर आयरन के क्या रहता है? जस्ट क्लोज रहता है आपका। चलिए अब आपके आ रहा होगा कि पिग आयरन के बारे में कुछ बात करिए, ठीक है, क्या पिग आयरन के बीच में बात करिए। देखो देखो फ्रेंड्स, आपने आयरन ओर को ब्लास्ट फर्नेस में डाला, पिग आयरन आपका हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है? कुछ कार्बन कंटेंट रहता है जिसके बाद में हम लोग उसको निकालेंगे, ठीक है। तो आप जब कार्बन कंटेंट निकालोगे जो प्योरेस्ट फॉर्म मिलता है डेट इज द रॉट आयरन, ठीक है। तो पिग आयरन के बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं, पिग आयरन के बारे में कि कहाँ पर आपका यूज होता है ये। देखो रॉट आयरन तो आपके घर में जो ये बनने रहते हैं ना, आपके घर में रेलिंग्स वगैरह देखी होगी, जाल वगैरह देखे होंगे, सारे क्या है? रॉट आयरन होता है, सारे क्या है? रॉट आयरन होता है। देखो पिग आयरन क्या है आपका? पिग आयरन इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ स्मेल्टिंग आयरन और विद अ हाई कार्बन फ्यूल सच एज कोक, यूजुअली विद लाइमस्टोन एज अ फ्लक्स। ही हम लोग अभी मैं आपको बताऊंगा जो आपके ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है, लाइमस्टोन के साथ हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो पिग आयरन में क्या होता है? जो कार्बन कंटेंट होता है ना हाई होता है, कितना होता है? 3.5% से 4.5% के बीच में होता है, जिसके कारण फ्रेंड्स वो क्या बनता है? ब्रिटल बनता है, ठीक है। तो ये आपके मटेरियल में डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता, मटेरियल में डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता पिग आयरन, इसलिए तो हम लोग रॉट आयरन में कन्वर्ट करते हैं, इसमें करते हैं। तो रॉट आयरन में यदि आप लोग कन्वर्ट करोगे इसको, तो उसमें तो आपको पता है कार्बन का कंटेंट कितना हो गया? बहुत कम हो गया, 0.15% के आसपास, ठीक है। तो इसको हम लोग सीधा यूज नहीं कर सकते पिग आयरन को, ठीक है। पिग आयरन इज इंटरमीडिएट फॉर्म, मैंने आपको बताया जो ब्लास्ट फर्नेस उसके बीच में आ रहा है, दैट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म। ब्लास्ट फर्नेस में क्या प्रोड्यूस होता है? अभी मैंने आपको बताया था ब्लास्ट फर्नेस से क्या होता है, आयरन ओर को ब्लास्ट फर्नेस में डालोगे तो पिग आयरन आपका क्या होगा? डेवलप होगा। इन 1841 HSS व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम? क्रोमियम का परसेंटेज क्या होता है जल्दी से आप लोग बताइए। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 18% क्या हो जाएगा आपका? टंगस्टन हो जाएगा भैया। 18% क्या हो जाएगा आपका? टंगस्टन हो जाएगा। और इसके बाद में यदि हम लोग बात करें क्रोमियम कितना था? 4% था। 1% क्या था? वेनेडियम था, हाई स्पीड स्टील वाला, ठीक है। तो ये आपका क्रोमियम की परसेंटेज पूछ रहा है, तो 4% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, आगे हम लोग चलते हैं।
स्टिल कंटेनिंग 11% टू 14% क्रोमियम एंड 0.35% कार्बन इज कॉल्ड, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। बहुत बढ़िया, मार्टेंसिक स्टेनलेस स्टील आपका ये क्या है, एक अलॉय स्टील है, तो इसमें यदि इतना परसेंटेज होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्टेंसिक स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है जल्दी से बताइए, क्रोमियम होता है, अभी HSM में बताया था ना 18% ही क्रोमियम होता है, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, 0.6% से आपका ये क्या होता है 0.7% के आसपास कार्बन होता है, तो क्रोमियम होता है, निकल होता है, आयरन होता है आपका, ठीक है, तो आपका डी इसका आंसर हो जाएगा। और अलग स्टेनलेस स्टील में भी आपके क्या होता है, डिफरेंट आपके अलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन लो कार्बन स्टील, तो लो कार्बन स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है जल्दी से आप लोग बताइए, तो हमें बताया 0.15% से जो नीचे होगा उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेड माइल्ड स्टील, ठीक है, तो आपका जो लो कार्बन स्टील होता है उसमें हम लोगों ने अभी बात करी 0.15% से कितना होता है, 0.15% से 0.45% होता है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन इज एडेड इन लो कार्बन स्टील टू इंक्रीज, तो सिलिकॉन क्या कर रहा था देख लेते हैं, सिलिकॉन क्या कर रहा था, ये आपका स्ट्रेंथ हार्डनेस बढ़ा रहा था डक्टिलिटी बिना कम करे हुए, ठीक है, तो इसमें कोई है क्या स्ट्रेंथ हार्डनेस, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। चलिए द पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट का पर्पज क्या होता है, ग्रेन साइज को क्या करना, चेंज करना, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, ये भी सही है, रिलीव द स्ट्रेसेज, ये भी सही है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूज्ड फॉर केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग का मतलब क्या, सर्फेस हार्डनिंग में कौन सा प्रोसेस नहीं होता, तो कार्बोराइजिंग भी होता है, नाइट्राइडिंग भी होता है, साइनाइड भी होता है, नॉर्मलाइजिंग नहीं होता है, ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ अ सीमेंटेंट इज द ऑर्डर ऑफ BHN, तो BHN क्या होता है, एक नंबर होता है, ब्रिनल हार्डनेस नंबर, जो आपका क्या होता है, हार्डनेस को दर्शाता है, तो फ्रेंड जो इसकी सीमेंटाइट की जो हार्डनेस होती है वो 550 BHN के ऑर्डर की होती है, 550 BHN के ऑर्डर की, तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। हाइपर यूटेक्टोड स्टील हैव कार्बन परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ, तो मैंने आप लोगों को बताया था, क्या आप लोगों को एक डायग्राम बताया होगा, ठीक है, ये आपका ऐसे करके, ठीक है, याद है, नहीं आयरन कार्बन डायग्राम बनाया था, तो ये आपका कौन सा था, यूटेक्टोड पॉइंट था, ये नहीं था, ठीक है, तो इसमें हाइपर कितना था, हाइपर कहाँ से था, हाइपर बहुत बढ़िया, चलो आगे, डी इसका आंसर आ जाएगा, आयरन कार्बन डायग्राम सारा बताया रखा है, तो आयरन इज द मैग्नेटिक एलोट्रोप ऑफ आयरन, जल्दी से बताइए, क्या मैंने आपको ये यूट्यूब पे पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, ध्यान से देखो, ये मेरा ही पढ़ाया हुआ है, मैं उसी की इमेज काट के लेकर आया हूँ, तो देखो मैंने बताया था कि अल्फा, ये जो आपका टेम्परेचर होता है, डिफरेंट टेम्परेचर अलग अलग फेस होती है, तो अल्फा आयरन क्या होता है, 768 डिग्री सेल्सियस के नीचे अल्फा आयरन होता है, 910 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी अल्फा आयरन होता है, लेकिन जो 768 से 910 होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मैग्नेटिक, 768 से नीचे वाला क्या होता है, आपके मैग्नेटिक होता है, और इस टेम्परेचर को मैंने आपको बताया था क्यूरी टेम्परेचर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है, तो अल्फा आयरन इज मैग्नेटिक एलोट्रोप, केवल ये वाला आपके मैग्नेटिक दर्शाता है, बाकी सारे क्या आपके नॉन मैग्नेटिक है, तो कौन सा आपका अल्फा आयरन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डैश स्ट्रक्चर इज ऑब्टेंड इफ स्टील इज क्वेंच इन वाटर, यदि वाटर में यदि आप लोग क्वेंच करेंगे, मतलब एक दिन ठंडा करेंगे, तो फ्रेंड मार्टेनसाइट आपका स्ट्रक्चर मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी हार्डनेस होती है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी है, केस हार्डनेस क्या होता है जल्दी से आप लोग बताइए, किसके लिए होता है, आप लोगों का सरफेस हार्डनेस इंप्रूव करने के लिए काम में आता है, तो विद डक्टिलिटी भी इसकी क्या होती है, थोड़ी इंप्रूव होती है, और वेरी हार्ड सर्फेस इससे प्रोड्यूस होती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूटेक्टोड स्टील कंटेंस फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, तो ये चलो मैं डायग्राम आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया था 2% तक होता है तो स्टील होता है, इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या बोला था, दिख रहा होगा आपको यूटेक्टोइड, ये लिख रखा है यूटेक्टोइड स्टील, ठीक है, तो ये आपका
जो 0.8% से जो यहाँ पर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोयूटेक्टोड स्टील, और 0.8% से 2% जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर यूटेक्टोड स्टील। ठीक है, हाइपर यूटेक्टोड स्टील, और ये आपका हाइपो। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, यूटेक्टोड स्टील कंटेंट्स, तो देखो आपका मतलब बेसिकली ये वाला पॉइंट पूछना चाह रहा है 0.8%। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.87 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। तो हाइपो और हाइपर की तो कोई बात करी नहीं, चले आगे। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉर्मलाइजेशन ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये हम लोग उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, और ठंडा किस में करते हैं, नॉर्मल एटमोसफेयर में करते हैं, यानी एयर में आप लोग ठंडा करते हैं। आगे हम लोग चले, ठीक है। अब फ्रेंड्स, हम लोगों की बात हुई थी ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट के, वो आपके स्टील के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो स्टील के बताता हूँ ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, तो जो ब्लास्ट फर्नेस की बात हुई थी क्या होता है, सीमेंट के, सॉरी आपके सीमेंट के बोल रहा हूँ, स्टील को बार बार, तो स्टील के मैन्युफैक्चर के जो आपके मैंने बोले थे कि अभी बताते हैं बाद में, तो उस पर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, मैंने आपको बताया था जो स्टील होती है उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, सीमेंटेशन प्रोसेस से, क्रूसिबल प्रोसेस से, ब्लेसमेयर प्रोसेस से, ओपन हार्ट प्रोसेस से, इलेक्ट्रिक प्रोसेस से। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में क्या होता है, आराम से समझ लो, थोड़ी थोड़ी ऊपर से देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन दिस प्रोसेस जो रॉट आयरन की जो बार्स होती है, रॉड होती है, आर इंट्रोड्यूस इन अ फर्नेस, फर्नेस में हम लोग डालते हैं, ठीक है, इन बिटवीन पाउडर चारकोल लेयर एंड आर सब्जेक्टेड टू वेरी हाई टेम्परेचर। जो चारकोल की जो लेयर्स होती है उसके बीच में हम लोग क्या डालते हैं, रॉट आयरन की बार डालते हैं, रॉड बोल लो आप, जहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है, कितना होता है, 7000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, क्लियर। तो ये आपके क्या होता है, अबाउट अ वीक टू फोर नाइट डिपेंडिंग, है ना, आपके एक वीक के अबाउट हम लोग इस पर रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायर्ड क्वालिटी, आप किस क्वालिटी का आप लोग स्टील चाहते हो, चीज़ें क्लियर है क्या। अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, इसके चारों ओर आपने क्या रख रखा है, चारकोल के लेयर्स रख रखी है क्या, तो क्या कुछ कार्बन इसमें डिजोल्व होगा क्या। द कंडीशन स्लोली डिफ्यूज कार्बन इनटू आयरन, जो कार्बन होता है वो आयरन में क्या हो जाता है, डिफ्यूज होता है, एंड कॉजेज द कार्बन टू बिकम डिजोल्व इन द आयरन, जो आयरन में जो डिजोल्व हो जाएगा ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, आपका स्टील में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि आयरन में कार्बन का जो कंटेंट होता है डेट इज द स्टील, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आपका बनता है, थोड़ा सा ऊपर से समझ में आ गया सीमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर बनाते हैं, यूजुअली अराउंड 0.7 से 0.1.5% यदि बनाना है तो आपका ये वाला प्रोसेस होगा। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका क्रूसिबल प्रोसेस, ठीक है। तो क्रूसिबल प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ आइदर ब्लिस्टर स्टील फ्रेगमेंट्स और शॉर्ट लेंथ ऑफ रॉट आयरन बार, जो छोटी लेंथ होती है आपकी रॉट आयरन की, छोटी छोटी जो बार होती है उसको हम लोग यूज करते हैं क्रूसिबल में, मिक्स विथ चारकोल इनसाइड फायर क्ले क्रूसिबल। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, चारकोल इनसाइड फायर क्ले क्रूसिबल, अभी मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, इसमें हम लोग चारकोल यूज कर रहे हैं। द रिजल्टिंग मोल्टन स्टील इज अलाउड टू रन थ्रू आयरन मोल्ड्स, ये आपके आयरन के मोल्ड से निकलेगा, आपके आयरन के मोल्ड मतलब इसके लोहे के साँचों से निकलेगा आपका, जो भी आपका मोल्टन स्टील है, पिघला हुआ जो स्टील है जो आपके आयरन के मोल्ड से निकलेगा। सच स्टील इज कॉल्ड कास्ट आयरन, इससे जो आपकी क्रूसिबल प्रोसेस से जो आपकी स्टील बन रही है डेट इज दी कास्ट आयरन। कास्ट स्टील इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड परफेक्टली होमोजीनियस, ठीक है, आपका बहुत हार्ड होता है। डीज आर स्पेशली यूज फॉर मेकिंग कटिंग टूल्स, कटिंग टूल्स के लिए आपके क्या होते हैं, आपके यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका बेसिमर प्रोसेस, तो इन दिस प्रोसेस पिग आयरन इज मेल्टेड, पिग आयरन क्या करते हैं हम लोग मेल्ट करते हैं इन अ कपोला, ठीक है, इसका डायग्राम दिखाता हूं आपको, ये देखो ये आपको दिख रहा ही है, कुछ ऐसा इसका डायग्राम है, हम लोग स्टील इसमें डाल देते हैं, देखो। इन दिस प्रोसेस पिग आयरन इज मेल्टेड इन कपोला एंड प्रोड्यूस इन टू बेसिमर कन्वर्टर विच इज पियर शेप, ठीक है, एंड हैज अ स्टील शेल लाइंड विद रिफ्रैक्टिव मटेरियल, इट इज पिवोटेड ऑन ट्रूनेशन सो एज टू फैसिलेट टिल्टिंग पावरिंग और चार्जिंग, हम इसको टिल्ट कर सकते हैं, ऐसा हम लोगों का पूरा ही रहता है, ठीक है। वंस द अबव कन्वर्टर इज चार्ज विद मोल्टन पिग आयरन, अ स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट ऑफ एयर इज ब्लास्ट अक्रॉस द मोल्टन मास फॉर अबाउट 20 मिनट्स थ्रू नोजल प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द वेसल, द प्रोसेस ऑक्सीडाइज ऑल ट्रेसेस ऑफ द कार्बन एंड सिलिकॉन प्रेजेंट लिविंग द कन्वर्टर, कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बेसिमर प्रोसेस आप लोग ध्यान रखो। क्या होता है ये, इस शेप का आप लोगों का ये होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो ये आपका ये दिख रहा है, ये आपका कौन सा प्रोसेस है, यही प्रोसेस है, ठीक है। बात करते हैं, ये पैसे मैं प्रोसेस मैंने बता दिया, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो क्वेश्चन में पूछता है, क्लियर है क्या, बताओ
The Bessemer process was the first inexpensive industrial process for the mass production of steel from molten pig iron prior to the open health furnace. अभी मैं आपको open health furnace भी बताएंगे, तो उससे पहले आपका कौन सा था? Bessemer, ठीक है. The key principle is removal of impurities from the iron by oxidation with air being blown through the molten iron. ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज पे. ये ओपन हार्ट प्रोसेस की बात, तो फ्रेंड्स ये ओपन हार्ट प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग साइमन मार्टिन प्रोसेस भी बोलते हैं, जो आपके आरआरबी जेई में पूछा हुआ है. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइमन मार्टिन प्रोसेस भी इसको बोलते हैं. तो द ओपन हार्ट प्रोसेस इज द बैच प्रोसेस एंड अ बैच इज कॉल्ड अ हीट हैवी स्क्रैप. जो भी आपके हैवी स्क्रैप हुआ सच एज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो भी आप लोग डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और स्टील मिलिंग स्क्रैप इज एडेड टुगेदर विद पिग आयरन के साथ हम लोग मिलाते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, तो आपका क्या होता है, ओपन हार्ट प्रोसेस है. ठीक है, तो बस ऊपर से आप लोग याद रखो, बाकी आप लोगों को हालांकि आपके दे तो रखा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया. और एक आपका डुप्लेक्स मेथड होता है, ठीक है. तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ. क्वेश्चन लगाता हूँ, टेंशन मत लो. इधर देखो, सामने देखो, ठीक है. पहले तो बताओ, मटेरियल साइंस समझ में आई नहीं आई, थोड़ा फायदा हुआ इस क्लास का मटेरियल साइंस का, जो डर बैठा रखा था क्या होता है पिग आयरन, क्या होता है ये. तो हालांकि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपके सिलेबस में नहीं दे रखी, फिर भी मैंने ऊपर से बता दिया आपको, बाई चांस क्वेश्चन अटक जाए आ जाए तो आप लोग छोड़ो नहीं, ठीक है, आप लोग उसे छोड़े नहीं, तो वही आपके लिए अच्छा होगा. बात करते हैं मोस्ट मेलेबल के लिए, जो बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम है कॉपर. देखो बेसिकली दोनों आपके क्या होता है, ऑलमोस्ट आपके होते हैं. अगर एल्यूमिनियम भी आई थिंक मैंने देखा नहीं उसमें, एल्यूमिनियम भी ऑप्शन में था, तो देखो एल्यूमिनियम भी आपका मेलेबल होता है. हालांकि मेरे को एग्जैक्ट डाटा यदि आप लोग देखोगे तो एग्जैक्ट डाटा से आपको पता पड़ेगा एल्यूमिनियम भी हो सकता है, तो मैं ये कन्फर्म करके आपको कल बताऊंगा, ठीक है, कि आपका कोबाल्ट था या आपका एल्यूमिनियम. हालांकि दोनों आपके क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेलेबल होता है, तो मैं खुद आपको बता दूंगा, कमेंट करने की जरूरत नहीं, नीचे अपनी शान पत्ति मत दिखाए कि सर ये होगा, मैं खुद आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, मैं खुद बता दूंगा उसको ढंग से चेक करके, आपको गलत उसमें नहीं रखेंगे कि यार ये होगा ये, कल ही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है. अब बताओ नेक्स्ट चैप्टर किस में डर लग रहा है, बताइए रिचा सिंह जी, और किस में डर लग रहा है. नेक्स्ट हम लोग वो करेंगे, गेट क्लास लेंगे, जल्दी लेंगे गेट क्लास लेंगे, टेंशन मत लो. अब जो बुक में लेट दे रखा है, लेट तो गलत है. ऐसे ऐसे जाए कि मैकेनिक क्लासेस लेंगे, जल्दी लेंगे, टेंशन मत लो. आप जिसमें डर लग रहा हो कि आप सबसे पहले वो करेंगे, हालांकि करना तो सारा ही है. तो कल हम लोग करते हैं वेल्डिंग और मशीनिंग के क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले दिन मेट्रोलॉजी के करेंगे, फिर इंडस्ट्रियल के करेंगे, सारा ही कवर होगा, फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है. तो कल हम लोग करते हैं, हाँ. और फ्रेंड्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जाना मत, सुनो. कल से जो अपनी क्लास का टाइम है फ्रेंड्स कितना रहेगा, 8 बजे रहेगा. कितना रहेगा, 8 बजे रहेगा कल से. तो 8 बजे आ जाओगे क्या यार, इतनी रात को हम लोग घर जाते हैं, तो समझो रोड पे इतनी रात को, तो इसलिए कल से आपकी क्लास का टाइम 8 बजे है. तो जो फ्रेंड्स आज नहीं आए उसको मैक्सिमम आप लोग शेयर करना कि 8 बजे क्लास है, आ जाओगे क्या, आप ही के लिए रखवाइए रात को 10 बजे की, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा सके, ठीक है. और हम भी थोड़ा सा, जो रात को सुबह से मेरे क्लास चलती है तो रात को 12-12 एक एक बजे जब घर पहुँचते 2 बजे नींद आती है सुबह वही क्लासेस, तो फिर रात को थोड़ा थकान भी बहुत हो जाती है, ठीक है. तो कल से हम लोग जो क्लास रखेंगे 8 बजे रखेंगे, सब तैयार हो क्या 8 बजे, बता दो थम्स अप करके बता दो. और बच्चों को बुला लेना, क्योंकि कल 8 बजे अगर 200-300 बच्चे आए फिर वो मजे वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है. तो लास्ट वाला टाइम में 8 बजे बुला लेना, 8 बजे से अपन क्लास स्टार्ट करेंगे, रात्रि 8 बजे से. सब काम जो भी खाना पीना हो पहले कर लेना, 8 बजे से पहले कर लेना, ठीक है. जो भी बात करनी हो जिससे भी बाबू सोना से, तो 8 बजे पहले बात कर लेना,
जो भी काम है खाना पीना सब 8 बजे कर लेना, 8 बजे से हम लोग कल क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे वेल्डिंग मशीन के मिक्स क्वेश्चन। तो कल हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स, सेम टाइम सेम जगह। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।